हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मज़ेदार एंड एजुकेशनल सीरीज़ को, जिसमें हम किसी भी एआई रिलेटेड टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। उस सीरीज़ का नाम है एआई केस स्टडी। आज के एआई केस स्टडी सीरीज़ वन का टॉपिक है फेस ऐप एआई फेस एडिटर। तो चलिए देखते हैं आज के फेस ऐप एआई केस स्टडी सीरीज़ का एजेंडा क्या होगा। फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज फेस ऐप, फेस ऐप क्या है। बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फेस ऐप और इसके डेवलपर के बारे में। इसके बाद एआई केस स्टडी के मेन टारगेट को कवर करेंगे, मतलब वर्किंग ऑफ फेस ऐप। नेक्स्ट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ फेस ऐप, फेस ऐप का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए फेस ऐप के एआई केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज फेस ऐप एआई फेस एडिटर। मुझे नहीं लगता कि जो इंटरनेट का यूज करता है उसको फेस ऐप के बारे में पता ही ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, व्हाट इज फेस ऐप फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं। फेस ऐप फ्री और पेड मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल करके इंसान के फेस की फोटो देके जवान से बूढ़ा, बूढ़े को जवान किया जाता है। इस एप्लीकेशन के नाम से आपको समझ में आएगा कि यह एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके फेस को ही चेंज कर सकती है, बाकी बॉडी पार्ट्स को नहीं। इसके अलावा जेंडर चेंज ओनली फेस, हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर, बियर्ड, स्माइल, बैकग्राउंड, टैटूज, ग्लासेस, फिल्टर्स, लेंस ब्लर एक्सेट्रा, ये सारा का सारा मैजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है। इसको हम आगे चल के डीप में समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ फेस ऐप एआई फेस एडिटर। फेस ऐप एप्लीकेशन को एक रशियन कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है वायरलेस लैब, और इसको डेवलप किया है यारोस्लाव गोंचारो ने, उनको फोटो में देख सकते हो। फेस ऐप को जनवरी 2017 में iOS एंड फेब्रुवरी 2017 में एंड्रॉयड में रिलीज किया गया था। चलिए फेस ऐप के डेवलपर के बारे में भी जान लेते हैं। गोंचारो ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है। इसके पहले का एजुकेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैकेनिक्स में पूरा किया है। इनके वर्किंग प्रोफेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने फर्स्ट इन्फो माइंड में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर करके काम किया था फ्रॉम 1998 टू 2001। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में एज ए टेक्निकल लीड, SPB सॉफ्टवेयर में CTO, यहाँ पे उन्होंने 5 साल और 9 महीने काम किया था, लेकिन SPB सॉफ्टवेयर को यांडेक्स ने खरीद लिया, तो यांडेक्स में एज अ हेड ऑफ मोबाइल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट में काम किया था। बाद में फेब्रुवरी 2014 को फेस ऐप कंपनी खोली। जब वो कंपनी में फोटो के ऊपर काम करते थे तो उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में फोटो के ऊपर बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि 8 महीने और 4 फुल टाइम इंजीनियर की कड़ी मेहनत से फेस ऐप एप्लीकेशन को डेवलप किया। यहाँ पे उन्होंने यह खास बात बताई कि फेस ऐप को बनाने के लिए गूगल टेंसर फ्लो AI ओपन सोर्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ फेस ऐप AI फेस एडिटर, और ये हमारे AI केस स्टडी का मेन टॉपिक है। आपने फेस ऐप यूज़ किया ही होगा और आपको यह भी पता है कि हमें एक फोटो को सेलेक्ट करना पड़ता है, बाद में विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको आउटपुट मिलता है। क्या आपको पता है ये कैसे काम करता है? तो चलिए इस प्रोसेस को डीप में समझते हैं। जब आप आपके मोबाइल से फेस ऐप एप्लीकेशन को कोई एक फोटो को सेलेक्ट करते हो खुद को बूढ़ा बनाने के लिए, तो आपकी फ़ोटो फेस ऐप आपके बेस स्टेशन से मतलब टावर थ्रू या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू क्लाउड या सर्वर तक पहुँचाई जाती है। यहाँ पे मैंने जो फेस ऐप एप्लीकेशन है गूगल या AWS मतलब अमेजोन वेब सर्विस के ही क्लाउड को यूज़ करता है। आपने फेस ऐप को मॉर्निंग या नाइट में इस्तेमाल किया होगा तो आपको एक एरर आया होगा जिसका नाम है समथिंग वेंट रॉन्ग। जब आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हो एडिटिंग के लिए, तो उस टाइम इंडिया में लॉट्स ऑफ यूज़र उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है, और जब आप कोई भी फोटो को सेलेक्ट करते हो तब आपकी एप्लीकेशन इंडिया के सर्वर में जाती है, और जो इंडियन सर्वर है उसकी लिमिट मान लो 10,000 है, और उस वक्त 10,000 यूजर से ज़्यादा यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की होंगी, तब आपको समथिंग वेंट रॉन्ग ये मैसेज आता है। तो उसके लिए आपको VPN का इस्तेमाल करके इंडिया के बाहर के जो सर्वर है उस सर्वर का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप आई कार्ड में जाके उसको देख सकते हो। तो चलो अब हम समझते हैं कि जो हमने इमेज को सेलेक्ट किया था और वो इमेज क्लाउड में सेंड हो चुके, उसके बाद जो आपने फोटो को सेलेक्ट किया था उसके ऊपर सारे के सारे चेंजेस क्लाउड में डीप लर्निंग मतलब डीप जनरेटिव कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, इसलिए फेस ऐप को AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस एडिटर कहते हैं।
तो चलिए समझते हैं डीप जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, मतलब जनरेटिव एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क GANs। GANs के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फेस ऐप एक्चुअली किस तरीके से काम करता है इसके ऊपर ऑफिशियल जानकारी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। फेस ऐप के डेवलपर गोंचारो ने टेकक्रंच को दी गई जानकारी में बताया था कि उन्होंने डीप जनरेटिव कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आपने मोबाइल में कोई इमेज को सेलेक्ट किया था कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जब वो फोटो क्लाउड में आता है उसके बाद जो फेस ऐप का जो अल्गोरिदम है वो अल्गोरिदम उस फोटो के ऊपर काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक इनपुट इमेज दिया, मतलब इनपुट सैंपल दिया है, तो सबसे पहले जो फेस ऐप के अल्गोरिदम है ये डिफाइन करते हैं कि जो आपने इमेज दिया उसमें सच में फेस है कि नहीं है। मान लो उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने जो इमेज दी है, मतलब जो फोटो दिया है, वो फेस ही है, तो उसके बाद वो सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कि उस फेस में आइज कहाँ पे है, नोज कहाँ पे है, माउथ कहाँ पे है, और उसके बाद देखेगा कि जो फेस दिया उस फेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। जो फेस ऐप का अल्गोरिदम है ये आपके बॉडी के पार्ट को समझता नहीं है, ये सिर्फ उसी फेस के लिए ही ट्रेन किया गया है। और यहाँ पे मान लो जो हमने इनपुट डेटा दिया है एज अ ह्यूमन फेस करके, यहाँ पे आप कोई पेपर के ऊपर नोज, आईज, माउथ और फेस का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी इमेज देते हो तो फेस ऐप एप्लीकेशन आपको आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के मेन दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है जनरेटर और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। तो सबसे पहले जो जनरेटर है उसको हमें लैटेंट सैंपल मतलब नॉइस देना पड़ता है, उसके बाद जनरेटर उस नॉइस का इस्तेमाल करके एक न्यू सैंपल को क्रिएट करता है। लैटेंट सैंपल का मतलब ये होता है कि जो आपने इनपुट डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग टू लैटेंट सैंपल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया है वो इनपुट इसलिए दिया है कि हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें लैटेंट सैंपल देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने इमेज ली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लैटेंट सैंपल दिया है। नेक्स्ट जनरेटर क्या करेगा, उस लैटेंट सैंपल को लेके एक जनरेटेड सैंपल क्रिएट करेगा और यहाँ पे जनरेटर का काम खत्म होता है और जनरेटर न्यूरल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट काम चालू होता है डिस्क्रिमिनेटर का। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, एक इनपुट डेटा लेता है मतलब ओरिजिनल सैंपल लेता है, नेक्स्ट जो जनरेट किया हुआ सैंपल है वो लेता है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर दोनों सैंपल को कंपेयर करता है और उसमें से इनपुट डेटा को एज ए रेफरेंस करके जनरेटेड सैंपल को चेक करता है कि ये जो सैंपल है ये फेक है कि रियल है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटर है ये भी न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क को एक रियल एग्जांपल से कंपेयर करें तो अज्यूम करो कि आप एक फेक नोट क्रिएट कर रहे हो और आप पुलिस को फुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने क्या किया, 1000 की फेक नोट क्रिएट कर ली है। आपको 1000 की इमेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन होना पड़ा, आपने ढेर सारी 1000 की इमेज ली, उसके ढेर सारे फीचर को आपने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने एक फेक 10000 की नोट क्रिएट की। उसके बाद मान लो 10000 की नोट एक पुलिस के पास मिल गई, तो पुलिस क्या करेगा, जो 1000 की नोट है उसको चेक करने की कोशिश करेगा कि ये फेक है या रियल है। और यहाँ पे जो पुलिस है ये भी ट्रेन है कि फेक नोट और रियल नोट को किस तरीके से समझ सके। और जब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर अपना डिसीजन ले लेता है तो डिस्क्रिमिनेटर आपको दो ही डिसीजन दे सकता है, फर्स्ट है 1 और दूसरा रिजल्ट है 0। 1 का मतलब होता है रियल एंड 0 का मतलब होता है फेक। तो अज्यूम करो डिस्क्रिमिनेटर ने 1 वैल्यू दी मतलब आउटपुट मिला रियल, और इस रियल सैंपल को आपके मोबाइल में सेंड किया जाता है। और मान लो डिस्क्रिमिनेटर ने फेक वैल्यू दी मतलब 0 वैल्यू दी, तब यहाँ पे लॉस कैलकुलेट होता है। जब डिस्क्रिमिनेटर दिए गए सैंपल को फेक कहता है तब डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि जो इमेज दिए वो इमेज इनपुट इमेज से कितनी डिफरेंस है, तो उस लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद उस लॉस को फिर से जनरेटर को दिया जाता है और जनरेटर फिर से उस लॉस को इस्तेमाल करके अपना 100% देके फिर से न्यू सैंपल क्रिएट करता है डिस्क्रिमिनेटर को फुल बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक प्रोपेगेशन। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर फिर से उस इमेज को रियल या फेक जानने की कोशिश करता है, और जब डिस्क्रिमिनेटर को जनरेटेड सैंपल रियल लगता है उस वक्त ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इसी तरीके से आप जो सेलेक्टेड इमेज है उसके ऊपर ग्लास ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लास का डेटा है वो एज अ इनपुट वेक्टर रहता है, और उसके बाद जो आपने इमेज दिए उस इमेज का जो वेक्टर वो ऐड हो जाते हैं और आपको आउटपुट मिलता है ग्लास विथ फेस। इसी तरीके से जो हेयर है, हेयर भी ऐड हो जाते हैं जो मेन इमेज है, और इसके अलावा फेस ऐप के ढेर सारे फीचर हैं और जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क्स ने आउटपुट दिया है ये आउटपुट फिर से क्लाउड थ्रू, टावर थ्रू और आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू आपके मोबाइल में सेंड किया जाएगा। तो इस तरीके से फेस ऐप एप्लीकेशन काम करता है। और यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन है, लेकिन जो फेस ऐप का जो अल्गोरिदम है एक्चुअली डीप में किस तरीके से काम करता है इसको आप समझना चाहते हो, जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और मैक्सिमम रिक्वेस्ट होने के बाद हम उस अल्गोरिदम को डिटेल में समझाएंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फेस ऐप एआई फेस एडिटर।
जो फेस ऐप एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल करके आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। जब आप खुद को ओल्ड देखना चाहते हो तो उस वक्त भी आप फेस ऐप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और फ्यूचर देखने के लिए। इसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, उसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री, एनिमेशन, तो इतने डिफरेंट इंडस्ट्री में फेस ऐप का एडवांटेज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस ऐप AI फेस एडिटर। फेस ऐप के डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंसर्न आता है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसके बाद आता है प्राइवेसी। जब फेस ऐप एप्लीकेशन वायरल हो गई थी तब आपको ढेर सारी न्यूज सुनाई दे रही थी कि जो फेस ऐप एप्लीकेशन है आपसे एक बार परमिशन लेके जो आपके मोबाइल की गैलरी है उस गैलरी से सारे के सारे इमेज को उनके सर्वर पे ले जाते हैं और ये थर्ड पार्टी को बेचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब फेस ऐप एप्लीकेशन को जो सिंगल इमेज सेलेक्ट करते हो वही इमेज सर्वर के ऊपर चली जाती है, उसके अलावा आपके गैलरी में से कोई भी इमेज सर्वर पे सेंड नहीं होती। फेस ऐप के जो डेवलपर है उन्होंने बताया कि जो आपकी इमेज हम सर्वर पे लेते फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, उन फोटो में से मैक्सिमम इमेज को हम 48 आवर के अंदर उसको डिलीट करते हैं। लेकिन मान लो उस डेवलपर की जगह पे मैं होता तो ये कभी भी मैं उस इमेज को डिलीट नहीं करता, क्योंकि जो डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स रहते हैं उनको ज़्यादा डेटा चाहिए फॉर मोर एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पे कोई भी बंदा जो लोगों से लिया हुआ डेटा है उसको कोई भी डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जो इमेज है वो सर्वर पे स्टोर होती है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। तो इस तरीके के फेस ऐप के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फ्यूचर ऑफ फेस ऐप AI फेस एडिटर। तो यहाँ पे हमने गूगल ट्रेंड से फेस ऐप की पास्ट 5 ईयर की इंफॉर्मेशन ली है। जब फेस ऐप को 2017 में लॉन्च किया था तो यहाँ पे आप लाइन प्लॉट में देख सकते हो कि जो फेस ऐप एप्लीकेशन है ये 2017 में वायरल हो चुकी थी, उसके बाद उसका मार्केट डाउन हो चुका था। फिर से जुलाई 2012 में इस ऐप को हाइप मिला और ये ऐप iOS एंड Android स्टोर में टॉप रैंकिंग में आ गई है। नेक्स्ट हमने यही ऐप का जो लेटेस्ट मंथ है उस मंथ का हमने डेटा लिया तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला कि जो फेस ऐप एप्लीकेशन है वो कुछ दिनों के लिए वायरल हो चुकी थी, जैसे कि जुलाई 12 टू नियर अबाउट जुलाई 17, और जुलाई 17 के बाद इस ऐप का जो पॉपुलरिटी वो डिक्रीज होने लगी, जैसे कि आप राइट साइड के गूगल ट्रेंड में देख सकते हो। ये जो फेस ऐप एप्लीकेशन है ये सडनली वायरल हो चुकी थी और उसी स्पीड में फेस ऐप एप्लीकेशन की जो पॉपुलरिटी है वो डाउनग्रेड हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि जो मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो उसका जो ट्रेंड रहता है वो सडनली हाई होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउनग्रेड होती है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो फेस ऐप एप्लीकेशन है उसका जो मार्केट है फास्ट में डाउन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेस ऐप एप्लीकेशन है उसके जो फीचर है उसका मेन फीचर है यंग पर्सन के फोटो को ओल्ड करना और ओल्ड पर्सन का जो फेस है उसको यंग करना। तो इस बिजनेस को हम देखेंगे तो ये जो बिजनेस है वो अकेला लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है जो फेस ऐप एप्लीकेशन है इसको जो कंटिन्यूअसली टॉप फोटो एडिटर में आती है उस एप्लीकेशन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, या जैसे कि आपको पता है कि जो टिकटॉक है टिकटॉक में आपको 15 सेकंड 30 सेकंड में कुछ वीडियो आते हैं जहाँ पे साउंड किसी का होता है लेकिन बॉडी आपकी होती है, उसी तरीके से कोई पिक्चर में से कोई स्टंट है कोई एक्शन है वो जो एक्शन रहेंगे वो साउंड रहेगा वो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का रहेगा, लेकिन उस जगह पे नॉर्मल पर्सन का फेस लगा दे तो उसमें फेस ऐप एप्लीकेशन फिर से अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू कर सकता है। ये हमारी राय है, लेकिन इसके अलावा भी जो फेस ऐप का फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसके जो डेवलपर है वो फ्यूचर में कौन से नए अपडेट लाते हैं। तो इस फेस ऐप AI केस स्टडी को यहीं पे एंड करते हैं, अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट AI केस स्टडी सीरीज में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स को हिंदी में।